थैंक यू सो मच फॉर 1K, फाइनली 1K सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं और अपन सब 1K फैमिली में कन्वर्ट हो गए हैं। आई लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच। ये बहुत ही रिक्वेस्टिंग वीडियो है। अपन सबको पता है कि फिल्में कितना ज़्यादा अहम रोल प्ले करती हैं अपनी ज़िंदगी में, और उससे भी ज़्यादा उसमें जो गाने रहते हैं वो अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट अपना छोड़ते हैं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग चॉइसेस होती हैं। किसी को सैड सॉन्ग पसंद है, किसी को हिप हॉप टाइप सॉन्ग्स पसंद है, किसी को गज़ल्स पसंद है, किसी को बहुत हैप्पी मूड सॉन्ग्स पसंद है। हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग पसंद होती है गानों को लेके। पर आज यहाँ इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसे टॉप 10 माय फेवरेट सॉन्ग्स जो मैं सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और इसमें से कुछ मिक्स सॉन्ग्स भी हैं जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कहते कि दी प्लीज़ को सॉन्ग्स को शेयर करो, कोई अच्छे से सॉन्ग शेयर करो। और कुछ इसमें मैंने न्यू सॉन्ग्स भी ऐड करे हैं। इन सारे सॉन्ग्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब ये सॉन्ग्स मैं नहीं लगा सकती बिकॉज कॉपीराइट आ जाएगा, और मैं ये चीज़ बिल्कुल भी अपने चैनल पर नहीं चाहती हूँ। थोड़ा बहुत सिंक करके बता दूंगी गा के आप लोगों की, आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कौन से सॉन्ग्स हैं। सो चलो चलते हैं सॉन्ग्स की तरफ। ध्यान से सुनना, चाहो तो आप एक पेन और कॉपी लेके वो सॉन्ग्स लिख सकते हो। वैसे आप लोगों के कंफर्ट के लिए, आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, इन सारे सॉन्ग्स की लिस्ट मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है, ठीक है। फर्स्ट सॉन्ग जो सबका मूड एकदम से रिफ्रेश कर देती है, और स्पेशली जो लोग स्कूल में हैं और कॉलेज में हैं उनके लिए ये बेस्ट सॉन्ग है। तो सॉन्ग है रंग दे बसंती मूवी से, अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। होप आप सब ने ये वाला सॉन्ग सुना है। जब अपन स्कूल में थे तो मोस्टली यही सॉन्ग में मैं डांस करती थी, और बहुत से लोगों ने भी डांस किया होगा। तो ये वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग है, आप इसे सुन सकते हैं। इसको अपनी प्लेलिस्ट में ऐड करो, ये आपका मूड ना एकदम डांस फ्लोर वाला तैयार कर देगा। अगर सैड मूड भी होगा ना, ये सॉन्ग लगाया करो। सैड होना ठीक है, पर ज़्यादा देर तक सैड बैठना ये बहुत ही गंदी आदत है, तो मूड रिफ्रेश किया करो। अब नेक्स्ट सॉन्ग कुछ ऐसा सॉन्ग है जो मैं नॉर्मली जब मैं टेरेस में रहती हूँ, वॉक करती हूँ, तो मैं अक्सर इस सॉन्ग को सुनना शाम के टाइम बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और वो सॉन्ग है इलाही ये जवानी है दीवानी का। ये एक ऐसा सॉन्ग है जो मेरे मूड को ना एकदम से रिफ़्रेश कर देता है। और जब भी मैं फिर ये सॉन्ग सुनते सुनते मैं इमेजिन करती हूँ कि मैं दूसरी कंट्री में टूर कर रही हूँ, वहाँ घूम रही हूँ। ये बहुत बेस्ट सॉन्ग है अगर आप दूसरी कंट्री को विज़िट करना चाहते हो, या आपका मैनिफेस्टेशन है कि आउट ऑफ इंडिया टूर करना, तो आप ये सॉन्ग ज़रूर सुन सकते हैं। इलाही इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग। थर्ड सॉन्ग है जो कि मोस्टली सारी गर्ल्स का फेवरेट है, उस सॉन्ग का नाम है आज मैं ऊपर आसमान नीचे। ये सॉन्ग वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग है, तो ये सॉन्ग हर कोई सुन सकता है, ठीक है। गर्ल या बॉय का कोई भी लेना देना नहीं है, सॉन्ग सबके लिए होते हैं यार, सब सुन सकते हैं। अपना मूड रिफ्रेश करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, किसी के पास जाके रोने धोने से अच्छा है ईयरफोन लगाओ और सॉन्ग सुनो। आप सब लोगों ने भाग मिल्खा भाग देखी है, अगर नहीं देखी तो देखो, और अगर नहीं भी देखनी ना तो उसका एक सॉन्ग ज़रूर अपने प्लेलिस्ट में शामिल करो। और वो सॉन्ग है हवन करेंगे हवन करेंगे। ये सॉन्ग सच में इतना रिफ्रेशिंग सॉन्ग है ना, अगर आपका मूड एकदम डिप्रेस्ड और आपको ना ये लग रहा है ना, अगर आपको लग रहा है कि आप सामने वाले को कुछ भी कह दो या गुस्से में हो ना, तो बस ये गाना गा दो हवन करेंगे या लिटरली ये ना सामने वाले को मतलब एकदम अलग सी एनर्जी देगा और आपका मूड ना एकदम से चुटकियों में ठीक कर देगा। तो ये थे कुछ मेरे फेवरेट सॉन्ग्स। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस आप लोग के लिए लेते आऊँगी। प्लीज़ गाइस, मुझे लग रहा है आप लोग सब मेरे वीडियोस लाइक शेयर और कमेंट नहीं कर रहे हो, तो करो, ये करो भाई, लाइक शेयर कमेंट, और शेयर तो स्पेशली वीडियोस करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल से जुड़ें। क्योंकि मुझे खुद पे इतना बिलीव है ना यूनिवर्स की वजह से कि मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आप लोगों को सिखाती हूँ सारी की सारी चीज़ें।